तैयारी हो गई बधाई में आते आते प्रत्याशी बनने के बाद? अभी तो देरी हुई नहीं, हमें देखिए घोषणा भी नहीं हुई है चुनाव की, और यहाँ तक कि देखिए भारतीय जनता पार्टी तो अभी प्रत्याशी भी नहीं दे पाई, बहुत से जितने 51 ही बची है और जीत कर रहे हैं 80 की। तो हम इसलिए आपको बताना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का था। पहले भतीजा आप चाचा उसी सीट पे कैसे देखते हो? देखिए आप सबको पता है ये समाजवादी पार्टी का घर रहा है, यहाँ से नेताजी सांसद हुए, प्रोफेसर रामगोपाल सांसद हुए, धर्मेंद्र हुए, और जब ये अब हम आ गए तो ये तो समाजवादी पार्टी का, अब इन्हें प्रत्याशी भी ढूंढे नहीं मिल रहा है। लेकिन बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बीजेपी बड़ा संगठन से मजबूत है और ये सीट समाजवादी पार्टी पिछली बार हारी थी, क्या एजेंडा रहेगा आपका इस बार चुनाव जीतने के लिए? देखिए आपकी बात, पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी हारेगी और यहाँ बदायूं तो जमानत नहीं बचेगी भारतीय जनता पार्टी के। सर सर चुनाव का नारा लगा रहे हैं, प्रत्याशी तो ढूंढे मिल नहीं रहे, और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है 80 सीटों पर भी हरा। सर चीफ चुनाव से पहले बीजेपी CAA का बिल लेके आई है और अमित शाह जी कहते हैं कि ये बिल किसी भी तरीके से वापस नहीं होगा, तो आप इसे किस रूप में लेते हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी पे कोई मुद्दे तो है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, बड़े घमंड में है, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री तो कहते हैं कि विपक्ष तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, खड़े हो गए शेरवानी साहब के साथ में, कैसे साधेंगे उन्हें आप? देखिए अब हम आ गए, सुखपाल सिंह यादव आ गए यहाँ, और सलीम शेरवानी हमारा साथ में, और जो भी रहे हैं उनको सबको हम ठीक कर लेंगे, मना लेंगे। भावना तो रूप से आपको स्वीकार नहीं कर पा रही है, तो कैसे दिल में उतरेंगे आप उनके? धर्मेंद्र यादव का भी नाम है उनके नाम। देखिए सब साथ रहे, सलीम शेरवानी है, जितने भी नेता हैं सबको मना लेंगे, उनके घर ले जाएंगे और सब ठीक रहेंगे। आप कह रहे हैं कि हम 80 सीटें यूपी में जीतेंगे, जो हराएंगे कह रहे हैं आप जीतेंगे, मैं वही कह रहा हूँ आप मतलब हराएंगे उसके बाद जीतने का, हम हराएंगे। आप ये बताइए कि 2014 से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, 2017 और 22 में प्रदेश में फिर से योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, आपका संबंध भी काफी मधुर है योगी जी से, तो क्या ऐसा आपने किया है, क्या उन्होंने ऐसा गलत किया है जो आप 80 सीटें जीत पाएंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जितने भी जो कहा सब झूठ, और झूठ के अलावा कुछ किया नहीं। अब यही बता दूं, बधाई में हम बता दूं एक काम उनका बता दूं, और समाजवादी पार्टी के जब नेता जी से लेकर जितना विकास हुआ, तो यहाँ एक काम बता, और जितना भी इन्होंने देश के लिए और देश की जनता के लिए केवल धोखा देने का काम चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के गठबंधन में है कांग्रेस पार्टी, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात हुई है उनके एक पार्टी के बड़े नेता की, तो क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हो सकते हैं गठबंधन में? तो कांग्रेस में हो जाए तो ठीक है, क्या है आप गठबंधन में स्वागत करेंगे? देखिए कांग्रेस में आ जाए तो ठीक है सर, चुनाव से पहले अयोध्या जाएंगे? चुनाव से पहले अयोध्या में राम जी के दर्शन करने जाएंगे आप? देखिए आप मंदिर तो बनी गया जी, और जब भगवान जी बुलाएंगे जरूर। सर रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर 1,85,000 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी गई है, तो आप इसे किस रूप में देखते हैं, क्या देश में एक ही चुनाव होना चाहिए? अब देखिए भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले ही बोल दिया, बड़े घमंड में है भारतीय जनता पार्टी,
नहीं तो कई राजनीतिक दलों के साथ वार्ता करने के बाद ये रिपोर्ट तैयार हुई है ना सर? उन्होंने देखिए जितने वादे किए सब टूटने लगे, अभी तक इनका कोई वादा पूरा हुआ है? केवल देश की जनता को भ्रमित किया, उससे देश बहुत पीछे गया और जनता को कोई लाभ नहीं मिला है। भारतीय जनता और भारतीय जनता पार्टी जब बड़े सत्ता में है, बड़े घमंड में है, तो कुछ भी कर सकते। आपके क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी बदायूं में चुनाव? बदायूं में विकास हमारी प्राथमिकता रहेगी। कितने वोटों से जीत मांगते हैं इस बार आप? जितने से आप लोग जिता दो आप लोग, और आप लोगों से भी हमारा निवेदन है, पूरा सहयोग आप लोगों का भी चाहिए है। हम लोग कहेंगे कि जमाना जब्त करा दो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी।